भाई यहाँ पे देखो ना यार कितना रॉकफॉल बहुत होता है भाई, बहुत रॉकफॉल होता है यार। रोमांचक सफर है हमारा, एकदम ऑफ रोडिंग चल रही है। ये पूरा किश्तवाड़ है और बहुत ज्यादा सुंदर है यार, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और वो नहीं, वो यार वो नहीं होता तीखा, मतलब एक वेपन ही, आप उसको वेपन की तरह कंसीडर कर सकते। गाइस तो ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है, देख लो अब यहाँ पे अब आया ना इस रास्ते का मजा। ओहो भाई फुल पावर कीचड़ कीचड़ कीचड़। आपको पार्ट से दिखाता हूँ, चलो जी गदो घोड़ो साइड हो जाओ। कहीं गलती से नीचे से नीचे गिर गए ना, पड़ जाते हैं भाई। यहाँ पे देखो ना यार कितना रॉकफॉल बहुत होता है भाई, बहुत रॉकफॉल होता है यहाँ। देखो पूरे रास्ते में ना हमने रॉकफॉल देखा, हमारे ऊपर नहीं हुआ कुछ पर हमने रॉकफॉल जोन, पूरा रास्ता ही लगभग रॉकफॉल जोन है। क्या करने का टाइम आ गया, धोने का, देखते हैं गाड़ी धोते कहाँ इस झरने के नीचे। ये बॉय ए जा ए शीशा ये वाला मिरर लगा, मिरर सुधांशु, मिरर मिरर कांच। हो गई साफ एकदम। चलो घोड़ा जी चलो चलो चलो, फिर हमारे को भी तो जाने। हाँ हाँ पानी तो गहरा था थोड़ा, क्यों लग नहीं रहा था मेरे को इतना डाउन है। प्रॉपर भाई ये ऐसा रास्ते का मजा आता भाई, मेरे को ये रास्ते ही चाहिए अपने को। कीचड़ कीचड़ ना, ये गट्टे गट्टे वाले रास्ते से अच्छा कीचड़ वाला रास्ता अच्छा होता है। एज वाले तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है काम और हम बिल्कुल बीचों बीच। ऑफरोडिंग गाड़ी है तो बड़े बड़े ऑफरोडिंग गड्ढे में भी ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों तो यात्रा चल पड़ी है हमारी किलाड़ टू किश्तवाड़, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड। तो इस रोड को देख के आप समझ ही रहे होंगे। तो अभी का हमारा सफ़र है 118 किलोमीटर का किलाड़ से किश्तवाड़ के लिए, उसके आगे हमको पहुंचना है कश्मीर। तो वो तो पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, तो उससे पहले ये देख लो कि पूरी वैली पांगी किलाड़ की वैली कितनी नैरो, और ये रास्ता अपने आप में भाई एक एडवेंचरस थ्रिल है। पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे बड़े बड़े बोल्डर्स, रॉकफॉल जोन भाई। अगर दूसरी साइड देखो तो देखो कैसी खाई दिख रही है, लाइक अगर यहाँ से आपने एक भी गलती की तो काम ख़त्म गए। तो भाई पूरा कॉन्शियस होकर यहाँ से ड्राइव करते करते मैं चल रहा हूँ, और जो ये लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। दोस्तों ये तो मैंने दो बार माइंड ब्लोइंग बोला, पर इसको मैं जितनी बार देख रहा था और जितनी बार देखते ही मेरे दिल में बस बोल रहे थे उस पर बाहर से माइंड ब्लोइंग, इट्स ड्राइविंग लाइक अ परफेक्ट टेरेन फॉर मी। एंड गाइस जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट पे क्लिक कर दो, स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा,
बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी भाई हमने नाइट में मनाली लाहौल से होते हुए हम सीधा पहुँचे थे खिलाड़, वो भी एक मतलब ये पूरा का पूरा रास्ता मैं सच बता रहा हूँ, ये एडवेंचरस थ्रिल है पूरा का पूरा। चाहे अभी हमको अच्छा रोड देखने को मिल रहा है, ये लाइक 100 मीटर के पैच है छोटे छोटे से ऐसे को मिल रहे, पर सीनिक है यार और डेंजरस तो है ही है। तो गाइस ये वाला जो रोड उड़ गया हुआ है ना, वो रोड यहाँ पे मिलता था, और ये देख लो ना यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, अब पता नहीं क्या लिखा है। आती है किसी को उर्दू? हाँ मुझे आती है ना। ए? मुझे आती क्या है? लिखा है इस पे? लिखा है कि यहाँ से जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी निकलो। चलो गाइस ये वाला रास्ता था, चलो अब आगे का व्यू और खतरनाक रहने वाला है, वो देखो भाई। यात्रियों तो ऑफ रोड मोड 2, अब हम उठे JNK के बहुत ही अच्छे से ऑफ रोड में, जो आपके सामने है मक्खन सा रोड, लग रहा है ना बिल्कुल मक्खन, तो अपने लिए ये मक्खन है, बस मक्खन के ऊपर थोड़ा सोच लो पानी गिर गया है। तो गाइस आज हम डैश कैम में और मैं आपको आगे का व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ना यार क्या क्या व्यू आ रहे हैं, देखो आगे सामने देखो भाई, रास्ता देखना अभी आप रास्ता देखना इसके बाद सबसे पहले। तो चलो जी पुल के ऊपर दिमाग में बस एक ही थॉट, अवेयरनेस। जब आप ऐसे टेरेन में ड्राइव कर रहे हो तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी एक छोटा सा रॉक भी अगर आपके विंडशील्ड पे आ गया तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था ऐसा। अरे हमने करना था खाते खाते यहाँ पे उठ गए, हमको बोलना था खाते खाते उठ गए। ओके 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 तेज जाना बोला भाई यहाँ से, लो कैमरा कैमरा पकड़ो यहाँ से तेज जाने को बोला। तो भाई हमको इंस्ट्रक्शन मिली है तेज जाना, तो हम तेज जाएंगे क्योंकि यहाँ ना रॉक फॉल जोन है यार, ये देख लो पूरा का पूरा ऊपर ऐसे पत्थर गिरते रहते हैं भाई, भागता हुआ है भाई यहाँ पे, यही यही सीन है भैया आराम से करना। भाई पूरा का पूरा रॉक फॉल जोन भाई ऊपर, सही में देखते देखते ही चलना पड़ेगा। निकल गए बस निकल गए। तो गाइस अभी ना पूरे कल रात से लेके अभी तक के सफर में ना, अब जाके कोई मतलब एक सिविलाइजेशन में बोलता हूँ कि बड़ी सिविलाइजेशन में शहर की तरह वो मिला, ये गुलाबगढ़, और वहाँ देख लो स्टेडियम भी है बीच में, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी थे दो, अभी एक तो उड़ गया, रेड और येलो वो रहा। दिखा येलो। जूम करके दिखा दे, दिखाया दिखा, ये देखो पूरा कितना सुंदर व्यू है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो इस वजह से कौन सी यात्रा शुरू होती है, मचा यात्रा, मचाई मचेल मचेल या मचेल, हाँ इन दोनों में से कोई एक नाम भाई, करेक्ट कर दो अगर हम गलत बोल रहे हैं ना, तो आप लोग करेक्ट कर दो, क्योंकि देखो अब सारा नॉलेज नहीं हमको हो सकता है, सच्ची बात बताएं, जितना है तो हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, तो अगर हम गलत है कहीं पे हम नाम ले रहे तो आप कमेंट में बता दो सही नाम क्या है। बाकी देख लो यार ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब अब जाके लग रहा है कहीं पहुंचे बार, इतनी सारी गाड़ियां भी दिख रही, नहीं तो पूरे रास्ते में ना सालाना एक गाड़ी मिली, मुश्किल से 2-3 गाड़ी मिली होगी रास्ते में पूरे, और जानवी तो सो के आई है, इसको तो पता ही नहीं चला कब जम्मू पहुंच गए। सच में मुझे, मैं टेलीपोर्ट हो चुकी हूँ हिमाचल से सीधा जम्मू, पता ही नहीं चला कि चलते हैं। लेकिन योगी भाई ने बहुत सही ड्राइव किया, मतलब कल रात से हम कितने बजे निकले थे, 12 बजे निकले थे, और अभी तक बाइक कंटिन्यूस ड्राइविंग हो रही है। तो गाइस अब मेरे को एक एग्जैक्ट नाम पता चल गया, मचेल यात्रा, और देख लो कितने यात्री आए होंगे भाई, बस ही बस है इधर, मुझे अब तक 600 से ज्यादा बस देख चुका हूँ। इतना भी झूठ नहीं बोलना है ठीक है ना, ये देखो बाकी नीचे भी तो खड़ी है भाई, उनको भी तो गिनना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अब आर्मी वाले का शुरू हो जाएगा।
हर जगह आर्मी वाले मिलेंगे। क्या कभी आपने सुना है भंडारों में डोसा मिला रहा है, डोसा मिल रहा है? तो भाई इतनी भूख लगी थी ना, अच्छा रास्ते में हम लोग सोच रहे थे अभी 10-15 किलोमीटर बाद रुकेंगे सुंदरबनी में, आके आके बढ़िया डोसा माता का कुछ है यहाँ पे। तो अभी डोसा के साथ साथ राजमा चावल और आलू की सब्जी भी, राजमा चावल इसके बाद जाऊंगा, चाय पकौड़े भी जाऊंगा मैं। चोर के बच्चे, आप कहाँ जाओगे? गाड़ी में बैठने। मैं तो फिर डोसा खाने जाऊंगी, मेरा तो इतने दिन से मन था डोसा खाने का। भगवान जब देता है तब 56 फाड़ के देता है, नहीं 56, चलो इधर 56 तो नहीं, कितना है 10-54। तो भाई यार अभी ना भंडारा खा के तो पेट पूजा हो गई पूरा। भाई क्या मैंने डोसा भी खाया, राजमा चावल भी खाए, चाय भी पी, बस रस छोड़ दिया मैंने, चल ठीक है थोड़ा सा तो छोड़ दिया। और ऋषभ तो शर्मा के खा रहा था भाई, तो भाई पूरा टिक्का विक्का लगा के आ गया हूं भाई। सही है, चलो मिल गया, बढ़िया ना। इस टाइम पे माता का मिचेल माता का जो यात्रा चली है उसके लिए मिल गया पता। और सच में हमको भूख लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत देर से हम सोच रहे ढाबा नहीं मिला। और एक क्वेश्चन सब लोगों को, एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? हमको इसलिए ढाबा नहीं मिला था क्योंकि आज हमको भगवान नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे सब लोग हमसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे बताओ, कहाँ से कि जिप्सी कहाँ से ली, कितने नहीं ली? जिप्सी भी छोड़ो, 4x4 है क्या, रास्ता कैसा है? ओ यस, रास्ते के जिप्सी का तो पूछते है, पूछते है यार सब कुछ जिप्सी का पूछते है, पर रास्ते का मेन। और सच बताओ ना, अब मेरे को तो नहीं लग रहा इतना हार्ड रास्ता, पर मतलब एक्चुअली में ना लोग यहाँ से जाने से सोचते है 10 बार सोचते है, जाते भी नहीं है, तो क्योंकि यार बहुत गंदा रास्ता है सच बताओ। कि ऑफ रोडिंग ऐसी है कि गट्टा गट्टे वाला रोड है और सीधी सीधी खाई है नीचे, अगर आपकी उसमें तो रिस्की भी है थोड़ा, पर यही तो एडवेंचर है, हम लोग तो करते ही रहते हैं। पर मैं ये चीज पे ज्यादा नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं तो सीधा टेलीपोर्ट होके आई हुई यहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं रास्ता कैसा था। सफर नेवर स्टॉप्स सफरनामा नेवर एंड्स। वैसे नाम कैसा है, सफरनामा नेवर एंड्स एपिसोड नंबर 3 अभी 2 चला है, एपिसोड नंबर 1 सॉरी हमने आज से स्टार्ट किया। अरे कोई चक्कर नहीं, 1 से लेके 10 हो, 10 से लेके 1 हो, तो यार चलते हम ज्यादा ही बात कर लेते हैं कई बार, एक जगह रुक के अब चलते हैं हम। ये एक बात अरे पीछे ब्लू टी शर्ट वाला। तो गाइस इतने लंबे सफर के बाद ना हम लोग अभी पहुंच गए जिस डेस्टिनेशन हमारा फर्स्ट था कि हम वहाँ पे रुक सकते हैं, पर अब देखते हैं रुकना नहीं रुकना, बाकी उसे डिस्कस करता हूँ। तो ये देख लो भाई किश्तवाड़, तो ये पूरा किश्तवाड़ है और बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और क्रिकेट के ग्राउंड भी काफ़ी प्यारे प्यारे जैसे लग रहे हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है नहीं है पर शेप वैसी है, और बहुत बड़ा है देखो यार, वहाँ से स्टार्ट होता है तो, और उसके बाद ये वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, नीचे भी है घर यार। सो गाइस कैसा लगा आपको किश्तवाड़, यात्रा चल रही है ना आज, यात्रा फर्स्ट टाइम किश्तवाड़ पहुँची है, तो बाकी अब डिस्कस करते हैं इनसे कि हमको सोनमर्ग ही निकलना है सीधा, कि रुकना है किश्तवाड़ में, पूछते हैं इन लोगों से अभी जाके। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ करोगे, यहीं किश्तवाड़ रुकोगे कि आगे चलोगे? ना किश्तवाड़ तो ना रुकें भाई, हम तो कभी सोनमर्ग जाएंगे। सोनमर्ग जाओगे भैया जी? सोनमर्ग जाएंगे, अब यही हम सोच रहे हैं सोनमर्ग जाए, बताऊँ क्या है, क्योंकि देखो टाइम कितना, 3-4 घंटे लगेंगे और क्यों, 4 या 5 है ना, वही मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सीधा सोनमर्ग ही चलते, क्योंकि कल भी तो ट्रेवल करना ही है, आज जब इतना किया है तो थोड़ा सा कर लेते हैं करके फिर पूरी रात रेस्ट कर सकते हैं। वही है वही है। तो गाइस देख लो डिसाइड हो गया है, हम लोग सोनमर्ग जा रहे हैं, तो हमको एक शॉर्टकट बताया है कि आपसे पीछे से भैया ने, कौन सा था, सिंथो पास, सिंथन पास, तो अब जाके पूछना पड़ेगा सिंथन टॉप वहाँ, ओके डायरेक्ट हम निकलेंगे क्योंकि हमको जम्मू नहीं घुसना पड़ेगा फिर, लेट्स सी क्या बनता है, जैसे अभी आपको ब्लॉग में अभी पता चलने वाला है। लेट्स गो, सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं, बाकी बाय बाय किश्तवाड़, क्योंकि हम आते हैं इस रास्ते से नहीं आने वाले हैं ना, हम जाएंगे कोई और रास्ते से जहाँ पे हम सब कभी नहीं गए। चलो पहले फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है 6:30, तो अभी हम चाय पीने रुके थे यहाँ पे भैया के पास। भैया क्या क्या कौन सी जगह है ये? सर मुगल मैदान। मुगल मैदान, क्योंकि हमको नहीं पता, हम तो फर्स्ट टाइम आए हुए ना, तो भाई चाय बहुत अच्छी बनाई भैया ने, यहाँ पे समीर होटल है इनका, अगर आप आ रहे होंगे तो भाई यहाँ पे पक्का आना, चाय सच में अल्टीमेट चाय बहुत अच्छी है, तभी दूसरी बार मंगवाई हमने। चलो मिलते हैं अगर वापस आए, चलो ठीक है जी, ओके। समीर के नज़दीक पर हम लोग ना बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं कई जगह पे, देखो कितनी प्यारी वैली है यार,
बहुत ज्यादा सुंदर है। सिंथल सिंथल वैली है रे, सिंथल टॉप आता है वैली पता नहीं यार। बाकी यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना, मतलब उन लोग ऐसी नजरों से देख भाई रहे। अभी क्या हुआ, अभी क्या सीन हुआ, वो वाला सीन तू ही बता। अभी तीन कितने लोग थे रे, चार पांच भाई इधर खड़े, ठीक है अब हम जा रहे। उन लोग ने ऐसे हाथ बताया, अब मेरा भी ध्यान नहीं था, मैं तो अपना सॉन्ग वॉन्ग गा रही थी, तो योगी भाई ने ना रुका दी गाड़ी, ठीक है अब उनके हाथ में पता नहीं क्या, और इधर विंडो के इधर आके खड़े हो गए भाई, मेरी तो फटी गई। और वो यार वो नहीं होता तीखा, मतलब एक वेपन ही, आप उसको वेपन की तरह कंसीडर कर सकते हो जो अगर हो ना, मतलब उनका था पता नहीं क्या, उन्होंने फिर पूछा टूरिस्ट हो, हमने बोला हाँ जी टूरिस्ट हो, कहाँ जा रहे हो, कश्मीर, फिर पता नहीं एकदम से उनका मूड चेंज हो गया, हाँ बोलते हैं क्यों, अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ, पहले तो डरा दिया था। उन लोग इम्प्रेस हो गए कि आपका अच्छा लगा, मतलब मेरी गाड़ी को बोल रहे कि एक जो सारा कंफ्यूज रहते हैं कई बार ना यहाँ पे यार, कश्मीर वगैरह में ना गाय अपनी जिप्सी को देख के ना लोग भाई फुल पावर क्रेजी हो जाते हैं। व्यू बता दूँ, व्यू बता दूँ। वाओ।